तो फिर से स्वागत है गाइस मेरे ब्लॉग में। तो आप आज जिम का दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ना रात को थोड़ा सा खाना ज़्यादा हो गया था, तो पेट थोड़ा सा हैवी सा फील हो रहा है, तो आज वर्कआउट नहीं करेंगे। तो वर्कआउट थोड़ा सा पोज करते हैं आज। तो घर में भी बोल के रखा हूँ कुछ हल्का बनाने के लिए, तो कुछ हल्का खा कर फिर दुकान के लिए सोच रहा हूँ कि निकलूँ। इसी चक्कर में आज जिम भी नहीं किया हूँ, पहले ही तैयार हो गया हूँ नहा वहा कर, उसके बाद स्टार्ट किया हूँ ब्लॉग। मैंने सोचा कि चलो पहले ब्रश वगैरह कर लेते हैं, नहा लेते हैं, फिर कुछ आएगा कहानी करेंगे, तो यही सोच कर। तो आज का मौसम बड़ा ठीक है, धूप भी आया हुआ है, पूरा धूप है, तो आप देख सकते हैं। अब अमरूद के पेड़ में भी हमारे पत्ते निकलने लगे हैं, ये बहुत ज़्यादा सूख गया था पेड़, तो अभी पत्ते आने लगे हैं इस पेड़ के अंदर में, तो नए आएंगे इस बार। शायद पिछली बार अमरूद सारे ही सूख गए थे, तो पत्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे, अमरूद भी सारे ख़राब हो गए थे, तो इस बार उम्मीद है कि अमरूद अच्छे आएंगे। तो यही था आज का। तो जिम तो आज कर नहीं रहे हैं, तो बस वैसे ही नाश्ता हल्का फुल्का करेंगे, फिर दुकान के लिए निकलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे की क्या है। तो आप देखिए, बस देखते हैं चल के नीचे कि नाश्ता क्या बना हुआ है, वो करते हैं। वैसे तो मैं बोला हूँ कि हल्का फुल्का ही बने, बट देखिए क्या बना हुआ है। तो आइए चलते हैं नीचे। जी मैं अभी नीचे जा ही रहा था, तो जाते जाते देखे मेरे बेड के ऊपर ना काजू रखा हुआ मिल गया। वैसे कि चलो जिम नहीं किए तो थोड़ा सा खा ही लेते हैं, ताकि ना के जगह पे हाँ हो जाए। हैवी तो खा लिया था, पर सुबह सुबह पेट फिर भी खाली हो चुका है पूरा पूरा ही मेरा। हैवी खाने के बाद भी महसूस हो रहा है कि अंदर भूख सा लग गया है, लगता है जो खाया हूँ उसे पाचन शक्ति थोड़ा सा ज़्यादा था, तो पच जल्दी गया है मुझे। तो जो मिला पहले उससे शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद नीचे जाकर देखते हैं। तो नॉर्मली आप भी जिम के बाद काजू बादाम ये सब ले सकते हैं। तो मैं नीचे आ चुका हूँ, देखते हैं नाश्ता क्या बना हुआ। तब तक तो अभी मेरा रोहित जी ये खा रहा है। क्या खा रहा है रोहित जी, क्या खा रहा है दिखाओ। ओ ये खा रहा है पॉपी, 5 रुपए वाला पैकेट वाला खा रही है, वही खा के खुश है, हिल रहा है, देख सकते हैं नीचे का है रूम। तो फाइनली देखते हैं क्या बन रहा है अभी खास्ते में। तो वो लोग बोल रहे हैं कुछ लग रहा है हलवा हलवा टाइप का बन रहा है, और बाकी देखते हैं हल्के खाने में क्या बना हुआ है। तो दही खाएंगे, तो देख सकते हैं आ गया हूँ, नाश्ता पूछता हूँ क्या बना हुआ, वही खाएंगे, खा कर निकलेंगे दुकान। अरे रोहित जी क्या कर रहा है, टंगा ना कितना खाएगा पोपी, खाओ पोपी एक खा रहा है पोपी घूम घूम के। तो मैं चलो पूछता हूँ क्या बना नाश्ता, ये वाला क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ। रोटी चाय हलवा, पोहा रोटी आलू का सब्जी और चाय और हलवा, मटर आलू का सब्जी, अच्छा और चाय। तो मुझे खाना है कुछ हल्का हल्का, क्योंकि थोड़ा सा पेट हैवी सा है, तो हल्का में हम खा लेंगे पोहा, रोटी हैवी हो जाएगा। अलग निकाल रहा है चाय, बाकी पोहा बना चुका है, तो पोहा प्लेट में निकाल रहा है अभी, तो बस निकालेगा मैं खाऊं और खा के निकलो दुकान। तो बन गया है टेस्टी सा पोहा, चाय, रोटी, सब्जी। रोटी सब्जी तो खाऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा मात्र पोहा, पोहा खा के निकल जाऊंगा मैं दुकान के लिए। पोहा मेरा फेवरेट है, क्योंकि निकाल रहा है कमरे में लेके जा रहा है, सजा रहा है, आपको दिखाते हैं पोहा। आ गया पोहा, अब मैं चला खाकर निकलेंगे दुकान। तो
सही है। तो नाश्ता हो गया मेरा, अब निकलते हैं दुकान, चलते हैं मिल्क शेक बना हुआ होगा, मिल्क शेक पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। अरे भाई चलो चलो, अरे शाला खतरनाक बच्चा, ऐसे कैसे कर रहा है, चल 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 नीचे, चल 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 जल्दी, छोड़ छोड़ छोड़, हाँ छोड़ हाँ छोड़ छोड़ साला छोड़, चल नीचे। एक रुआ बच्चा घूमने चला था, मकड़े के जाल में जाके फंसा था, मकड़े को देखा था, देख के डरा था, दूसरे रुआ को इशारे से बुलाया था, इधर आ इधर आ इधर आ, चलो जा खेला। तो तैयार है अपना मिल्क शेक, बादाम भी रेडी है, तो पहले पी लेते हैं उसके बाद खा के निकल जाएंगे। इंस्टा पर चढ़ा तारू कहवा तो बढ़ा तारू, मुझ में लग जाता है अच्छा नहीं लगेगा, तो पहले पी लेता हूँ फिर। तो फाइनली चलो हो गया, बाहर निकल गया, तो ये है ना सवारी, करते हैं शुरू, निकलते हैं दुकान, तो पहुंच के आपको दिखाते हैं दुकान। ओए रोहित चल चलो घर में, चलो घर में चलो, ये देखिए साला, चल 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 घर में, चल 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 चलो घर में, चलो चलो रोहित जी घर में चलो। तो बस मम्मी आ रहे हैं दुकान पर, तो उनके भी दुकान है, तो उनके भी साथ में ही जाएंगे मेरे, तो निकलते हैं आपको दिखाते हैं दुकान पहुंच के अब। इंस्टा पर चढ़ा तड़ो कहवा तो लड़ा तड़ो, चलो अरे रोहित रोहित जी जा घरे, जा घरे जा घरे जा, रोहित जी जा, आ चलो यहाँ क्यों बैठे हो भिखारी बच्चा हो, नहीं क्या आज किसकी, चलो चलो मेरे से चीखेगी, मेरे से ज्यादा से। तो गाइस फाइनली मैं दुकान आ चुका हूँ, तो ये देख सकते हैं ये दुकान, तो मैं दुकान में आ चुका हूँ, तो वो बस अब बैठते हैं दुकान में, पहले तो भाई था अभी उसको मैंने भेज दिया घर पे, तो अब हम ही देखें, मैं ही देखूँगा दुकान, क्योंकि अब दिन भर मैं ही रहूँगा दुकान पे, तो देखते हैं कस्टमर। बाकी चलिए आज के लिए ये ब्लॉग है, कल नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं फिर आपसे, अब तो दुकान आ गया, हम ग्राहक देखने पड़ेंगे क्योंकि, बाय बाय टाटा जय श्री राम।